दर्शक मतलब क्या होता है अत्यंत निकटता या समीपता। पर मन क्या होता बाद एक चीज यहाँ समझिए पर मन क्या होता बाद वाला है ना, यानी बाद वाले घर से अत्यंत निकटता ही संहिता संज्ञा होगी। बारे में क्या कहा बाद वाले पर माने बाद होता है, यानी बाद वाले घर से अत्यंत निकटता ही संहिता संज्ञा होगी। अब पारे में आप पारा शब्द को इस्तेमाल करें क्योंकि इनको पता है अगर हम बाद वाला कहेंगे तो पहले वाला जरूर आप समझ जाओगे, बिना पहले के बाद वाला तो आएगा नहीं ना भाई। मैं यहाँ चल रहा हूँ, मैं अगर आप लिखी मेरे सामने कोई नहीं तो आप कहेंगे कुछ क्यों बन गया चला था, मैं तो आगे भी हो गया पीछे भी हो गया किसी के बाद नहीं ना ही मेरे बाद कोई। अगर बाद कहा गया तो इसका मतलब तो पहले कोई वर्ण तुम्हारे लिए पहले छोटा है बाद में क्या है। तो कह रहा है बाद वाले वर्ण से अत्यंत समीपता उसकी समीपता दर्शाएंगे आई इससे मिल जाएगा ये से। तो क्या बना आई इसे मिलकर ये बना दिया, यानी बाद वाले वर्ण से इसने क्या किया अत्यंत निकटता दर्शाया इस रूप में तब्दील हो गया एक। अब ए में आ और ई इस तरह मिल रहे हैं जिनको हम पहचान नहीं पा रहे, यही क्या है अत्यंत निकटता है ना। बाद में कोई भी वर्ण हो सकता है आके बाद वो कर लीजिए तो ओ से अत्यंत निकटता किसके पहले वाले घर। तो कहने का मतलब इन्होंने कहा बाद वाले घर से अत्यंत निकटता ही संहिता संज्ञा होती है। संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी है 42 है, संस्कृत में मुख्य वर्ण या मात्र सूत्र में लिखाए गए हैं कितने वर्ण अपनाए गए हैं 42। अब 42 वर्ण अपने आप में बहुत का जो तक होता है तो हम यूँ कह सकते हैं वर्णों की अत्यंत समीपता या निकटता क्या कहलाती है इससे नहीं आती बात समझ गए ना। तो यहाँ परा कहने का इनका अपना एक परिणाम क्या था बाद वाले वर्ण से अत्यंत निकटता संहिता संज्ञा कहलाती है। अब पहला वर्ण कौन सा हो दूसरा कौन सा ये हमें पता नहीं है क्योंकि मास्टर सूत्र 42 वर्णों का जिक्र है। तो हम यूँ कह सकते हैं 42 वर्ण आपको बहुवचनार्थ है, बहुवचनार्थ है ना, तो हम ये सब किस रूप में कह सकते हैं वर्णों कह सकते हैं ना है, यानी वर्णों की अत्यंत संहिता क्या कहलाती है संहिता संज्ञा। तो ये हमेशा जानते रहिएगा लिखने का जो इनका दायरा है परख का तात्पर्य यहाँ पे है बाद वाला बाद वाले अत्यंत निकटता है संहिता होती है। इसका मतलब पहले कोई वर्ण रहा होगा तभी तो बाद वाले की बात की गई। अब मास्टर सूत्र में वर्णों की संख्या तो बहुत सारी है ना, बहुत वर्ण है तो हम यूँ कह सकते हैं वर्णों की अत्यंत निकटता ही संहिता संज्ञा होती है। एक बार में आप देख सकते हैं वर्णों की अत्यंत निकटता ही संहिता संज्ञा। अब निकटता देखिए कितना जटिल है भाई, आ ई मिलकर क्या बन गया हमारा ए बन गया, आ ओ मिलकर क्या बन जाता है ओ बन जाता है, यही तो बनता है आधन ई आधन ओ सॉरी आधन ओ ये ना आ ई मिलकर क्या बना ए आ ओ मिलकर क्या बना ओ। अब इन दोनों में ये दोनों बार दिखाई दे रहे हैं आ ई ए में आ ई दिखाई दे रहा है ओ में आप दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा ना, यही क्या है वर्णों की अत्यंत समीपता हम मालूम ही ना कर पाए। बस सुनना जैसे अभी अभी जब शाकुंतल पढ़ रहे हैं वहाँ राजा दुष्यंत के रथ के रथ पे जब मृत का पीछा कर रहा था उसको चार पर की पेड़ क्या लग रहे थे जुड़े हुए लग रहे थे, यानी जो वृक्षों की जो कोटियाँ है एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ उसके रथ का वेग इतना तीव्र था कि पूरे के पूरे वृक्ष एक में सटे हुए लग रहे थे ना, वही क्या था वृक्षों के अत्यंत समीपता थी। हमें महसूस एक जी है कि कौन जी है असल है, अब इसमें हमें महसूस नहीं हो पा रहा ये अकेला है इसमें अन्य भी गर्व ये क्या है अत्यंत निकट। अब इसमें कितने वर्ण छुपे हुए हैं आ और ए, इसमें भी कितने वर्ण छुपे हैं आ और ओ। मैंने कहा छा ये भी क्या है वर्णों की अत्यंत समीपता इसमें भी है ना। अब इसमें कितने हैं छुपे हुए आधा का छा है और कितने वर्ण मिल सकते छाता क्या किए हैं निर्माण किए हैं यहाँ वर्णों की क्या दिखाई दे रही है अत्यंत समीपता इसमें तब्दील हो समीपता अक्षर में तब्दील हुआ है ना। बात समझ गए ना क्लियर हो गया, व्यंजन अपने स्वरूप को बदलता है तो अक्षर कहलाता है ना, लेकिन स्वर अपने स्वरूप को बदले तो संधि में ही रह जाता है
बात समझ में आया? क्लियर हुआ? बात समझ गए ना? बड़ों की अत्यंत निकटता है संहिता संज्ञा का वाक्य है। संहिता का दूसरा नाम संधि है। हमें पॉइंट लिख सकते हो, संहिता का दूसरा नाम संधि है। किसी पद के द्विवचन के अंत में यदि
किसी पद के विवचन के अर्थ में यदि बड़ी बड़ा को दिखाई दे अथवा ए बड़ी की बड़ा को अथवा ए हो तो तो उसकी प्रतिहा संज्ञा होती है हो तो उसकी प्रतिहा संज्ञा होती है हो तो उसकी प्रतिहा संज्ञा होती है किसी कविते द्विवचन के अंत में बड़ी की बड़ा उ ए हो तो उसकी प्रतिह संज्ञा होती है क्लियर हो गया जी सर किसी पद के किसी पद के अंत में द्विवचन के किसी पद के द्विवचन के अंत में यदि बड़ी की बड़ा उ अथवा ए हो तो उसकी प्रतिह संज्ञा होती जैसे आप समझ लीजिए जैसे हमने बड़ी के लिए क्या कहा हरी 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 अरे भैया गलत नहीं इस तरह होता है ना ये तो हो गया इक्का रात ये होगा बड़ी बड़ी इक्का तो मतलब बोलता देती है Thank you.
बंदरी हो गया सबका जी सर। हाँ चलिए सब बात को समझ। देखिए धातु की बात करा ना, अगर धातु की बात करा तो इसका मतलब धातुओं से संबंधित बातें यहाँ पर होंगी, है ना। तो सीधे असंबंधित दिन की बात करा करा वह धातु जिनसे कौन सा प्रत्यय जुड़ा हो, तीन प्रत्यय जुड़ा हो, धातु जिनसे प्रत्यय जुड़ा हो, है ना। अथवा सिद्ध, सिद्ध का मतलब साधन युक्त, यानी ऐसा प्रत्यय जिसमें सापेक्ष संज्ञा हो रही हो, है ना। क्या है धातुओं से जुड़ने वाला प्रत्यय तथा वह प्रत्यय जिसमें सापेक्ष संज्ञा हो रही हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा सापेक्ष संज्ञा में इन्होंने क्या दिया, सप दिया है, सत्रे दिया है, सानच दिया है, है ना भाई। सत्री सानच में सापेक्ष संज्ञा होती है ना, सत्री में सापेक्ष संज्ञा होती है, रीति संज्ञा होती है, बचता क्या है अत, है ना। सानच में सापेक्ष संज्ञा होती है, चापेक्ष संज्ञा होती है, बचता क्या है आन, है ना। बस न तो सत्री हुआ, सानच हुआ, सप हुआ, मतलब सापेक्ष संज्ञा करने वाले जितने भी प्रत्यय हैं सब, है ना। अगर धातुओं से जुड़ रहे हैं तो उन प्रत्ययों की क्या मानी जाती है, सार्वधातु प्रत्यय। समझ में आया, यानी कह रहे धातुओं से जुड़ने वाले तीन प्रत्यय की तथा वह प्रत्यय जिन प्रत्ययों में सापेक्ष संज्ञा हो रही हो, वह, है ना। हमें नहीं लेना देना है, हमें बस इतना देखना है गम धातु से प्रत्यय जुड़ता है कि नहीं, जुड़ रहा है इसकी क्या होगी सार्वधातु। समझ में आया, हमने देखा गम धन क्या करते गम धन सत्री कर दिए, अब सत्री में कह रहा सिद्ध, सिद्ध बोले तो साधन इत, यानी ऐसा प्रत्यय जिसमें साथी क्या हो रही इत संज्ञा हो गई। अब सत्री प्रत्यय में रीकित संज्ञा होती, सापित संज्ञा होती, बचता क्या है अत, यही बचेगा तापे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तामे लिखित संज्ञा करेंगे, बचेगा क्या चमक रहा है ना, इसको मैं सेफ्टी में दिला लो। अच्छा बाहर में ले लो, आपको देख के वहां भेड़ा हो जाएगा, ये देख के चलेगा देख के लाएंगे और सब तो चमक रहा था, और सब था वीडियो में, ये तो था वीडियो में, देख के चला दे सब अच्छे से, दूसरा अब सत्य में साकित संज्ञा हुई, बच्चा सा क्या मतलब सामने साकित संज्ञा करेंगे बचेगा क्या छोटा, तामे लिखित संज्ञा करेंगे अत बचेगा ना, यही अत क्या आदेश होगा दूसरा जिसमें धातु तो गम धन सत्य करेंगे गम का क्या आदेश हो जाता गच्छ, गच्छ में हम क्या जोड़ देंगे अत, क्या बन गया गच्छत अथवा गच्छन, है ना। कहा बोल रहा है क्या हुआ गच्छ दिया गच्छ दिया सत्री प्रत्यय में सापेक्ष संज्ञा लिखी ना, सारच अगर हम जोड़ते गम धन सारच क्या हो जाए गम्य मान हो जाए,
यानी सा कहीं दिखाई नहीं पड़ती। तो कुल मिला के आप ये समझिए इसमें ये कहीं का है, तीन से पहला का है। ये धातु की बात हो रही है, क्या धातुओं से जुड़ने वाला तीन है ना, इससे जुड़ने वाला धातु, धातु से जुड़ने वाला तीन प्रत्यय या वह प्रत्यय जिसमें साथी संज्ञा हुई हो, या वह प्रत्यय जिसमें साकी संज्ञा हुई हो, ऐसे प्रत्ययों को क्या कहते हैं, धातु प्रत्यय के नाम से जानते हैं। समझ गए ना, क्लियर हो गया? हाँ देख लीजिए, कहाँ रहा? मैंने तीन प्रत्यय समझते हैं, तीन किसे कहते हैं, संख्या कितनी? तीन प्रत्यय को सात धातु प्रत्यय के नाम से जाना जाता है, और साकी की संज्ञा होने वाले प्रत्यय को सार्थक में है ना। ध्यान लीजिए ना, खटा बोला ये बोलो खटा मतलब तुरंत जवाब देने, खाली जवाब इसको बोलते हैं है ना। सो समझ के बोलिए, यहाँ देखते हैं सिर्फ सात धातु को क्या कह रहा है, ये कहता है ट्रिपल इंक्लूजन वो तो गया ना, धातुओं से जुड़ने वाला तीन, धातुओं से जुड़ने वाला तीन प्रत्यय अथवा धातुओं से जुड़ने वाला तीन प्रत्यय अथवा सा कित संज्ञक प्रत्यय, सा यानी कौन सा, इस तरह सा कित संज्ञक प्रत्यय यानी सा की संज्ञा करने वाला, संज्ञक का मतलब क्या हुआ, कित संज्ञा करने वाला प्रत्यय अथवा सा कित संज्ञक धातुओं से जुड़ने वाला प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय संज्ञा होती है, सार्वधातुक प्रत्यय संज्ञा होती है। हो गया ना, अब आगे क्या आर्ध धातु, अगला क्या है आर्ध धातु, उसमें क्या लिखा से से आर्ध धातु को मैं सार क्या आर्ध धातु कम से सा, अच्छा आर्ध धातु कम से सा ये लिखा ना, आर्ध धातु कम से सा। अब ये कुछ है नहीं, यही उल्टा इसी का उल्टा समझ लो, यानी धातुओं से जुड़ने वाले हुए प्रत्यय किसे छोड़कर, सार धातु प्रत्यय को छोड़कर धातुओं से जुड़ने वाले अन्य सभी प्रत्ययों की आर्ध धातु संज्ञा होती है।
शेष का मतलब यही हुआ, किससे शेष में चार धातु से जो शेष प्रत्यय बच रहे हैं धातु से जुड़ने वाले, तो भी क्या हो जाती है आप उसी का बिल्कुल उल्टा है, कुछ है नहीं हो है ना, शुभ संख्या में लगभग बराबर होगा, बराबर ही है ना, तो ये कुछ नहीं है कौन सा वो कुछ नहीं, बिल्कुल उसको समझिए ऐसे जो भचक प्रत्येक से जुड़े वाला तो कड़ू मार जाता है, समझ में आया, बंटवारा कह देते हैं। अर्ध धातु तो संग्रह है ना, अर्ध धातु प्रत्यय संग्रह बिंदी ना बोल जाता बिंदी कितना लोग जैसे आपने पढ़ा होगा षष्ठी शेष यानी जो अन्य विभक्तियों के माध्यम से बातें शेष में वैसे आध धातु ये क्या कहता है, ये कहता है सार्व धातु प्रत्यय से जो बातें शेष रह गई उसकी कौन सी संज्ञा मानी जाती है, मतलब क्या हुआ इसका, धातुओं से जुड़ने वाले वह सार धातु प्रत्यय को छोड़कर है ना, सार धातु प्रत्यय को छोड़कर धातुओं से जुड़ने वाले शरीर को छोड़कर क्या हो जाती है, यानी किसे छोड़ करती है उसे को छोड़कर, बस इतना ही साधारण बात, और सिर को छोड़कर धातुओं से जुड़ने वाले सभी प्रत्ययों की आर्ध धातु संज्ञा होती, किसे छोड़कर किसकी क्या हो रही है, तिंग तिंग अथवा सिर को छोड़कर तीन तथा गई अथवा तीन तथा सिद्ध को छोड़कर तथाशित को छोड़कर धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्ययों की तीन तथाशित को छोड़कर धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्ययों की आर्ध धातु प्रत्यय संज्ञा को छोड़कर धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्ययों की आर्ध धातु को प्रत्यय संज्ञा होती है। सर इसमें सार धातु वगैरह वो उसी द्वारा एक धातु है तो तीन वाला नहीं है, तो जाकर नहीं आता है प्रत्यय की तो संज्ञा हो रही है, जाकर क्या कर रहे हैं प्रत्यय की तुझे संज्ञा हो रही है, मैंने कहा आपका नाम ये है तो जाकर क्या कर रहे हैं, पूछो तो मन से देखिए है ना, मैंने कहा सा में साकित संज्ञा हो रही, सा में क्या है छोटा है तो बच्चा क्या छोटा है बच गया, और का में रिंकित संज्ञा ही अत हो जाए, यानी सत्री का अगर अत बच रहा है इसका मतलब साकित संज्ञा हो गई है ना, तो ये प्रत्यय जिसमें धातु से जुड़ेगा धातु से जुड़े वाला प्रत्यय है ना, जैसे साकित संज्ञा तो हो रही और ये धातु से ही जुड़ता है तो सत्री प्रत्यय हमारा क्या हुआ
सब कुछ है नहीं, ये प्रत्यय है सात धातु प्रत्यय संज्ञा। अब हमें ये जानना है ना किन किन प्रत्ययों में सात्विक संज्ञा हो रही है, किन प्रत्ययों में सात्विक संज्ञा नहीं हो, वो जानने के लिए आगे भी प्रत्यय मिलेगा, है ना। प्रत्यय ज्ञान जब आपको पढ़ाया जाएगा तब सत्य सान सब और जब जो भी मिलेंगे सब बताया जाएगा। समझ में आया? कुछ बातें ऐसी है जो आगे पत्रों में मिलेंगी, यहाँ बस इतने आपको एप्लीकेशन दिया जाएगा जितने से आप समझ जाए, है ना। ये कह रहा है साकी प्रसंग प्रत्यय साहित्य संज्ञ प्रत्यय सत्य प्रत्यय में साकी संज्ञा हो तभी तो आप बचा, अगर संज्ञा ना होती तो अब तो नहीं बचा। समझ में आया? इस प्रत्यय की क्या हो गई है साधारण प्रत्यय संज्ञा, और किन को आप जान ही रहे 18 भी है, तो मतलब किन प्रत्यय को सतरूपी प्रत्यय कहा जाता है, तो सही है ना। लेकिन अब यहाँ पे कह रहे सार धातु प्रत्यय की संज्ञा किस प्रकार कर सकते हैं प्रत्ययों में, ये प्रत्ययों में कितने प्रत्ययों को हम सार धातु प्रत्यय कह सकते हैं और प्रत्ययों में कितने प्रत्ययों को आद धातु कह सकते हैं। इन्होंने प्रत्ययों में बंटवारा किया किसके लिए, सार धातु के लिए, है ना, और किसके लिए आद धातु के लिए। सार धातु में कितने प्रत्यय इन्होंने रखे, यानी धातु की बात हो रही, धातुओं से जुड़ने वाले पशुओं की बंटवारा होगी, ऐसा नहीं है सुख की बंटवारा होंगे, सुख के बंटवारे नहीं होंगे, अड़ के बंटवारे नहीं होंगे। तो अड़ है इय है ना, ये सब अड़ है इय है, ये सब कैसे अपत्य अर्थ वाले हैं, ये किससे जुड़ते हैं, केवल और केवल संज्ञा से जुड़ते हैं। प्रत्यय की बात यहाँ नहीं होगी, सुख प्रत्यय की बात यहाँ नहीं होगी, यहाँ किसकी बात हो सकती है, कृत की हो सकती है, गंत की हो सकती है और चिट्ठी का कहा समझिए निर्धारित नहीं, प्रत्ययों की संख्या निर्धारित किया ही नहीं जा सकता, बस इतना ही आने सूत्र से लेकर तब तक, है ना। अब सारे प्रत्ययों को निर्धारित तो होगा ही, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा कहीं, है ना। लेकिन हमारे जो पठन पाठन में मिलते हैं वहाँ अजीब गरीब मिलते रहते हैं, बस ना है, इसलिए हम उसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निर्धारित अगर करेंगे तो आपको पठन पाठन को अवतरित करना पड़ेगा, है ना, इसलिए यहाँ इसका निर्धारण नहीं किया गया। हमारे पठन पाठन की निर्धारित नहीं किया गया, अगर निर्धारित कर दिया जाता तो सिलेबस बन जाता, सिलेबस बनता तो हमें पढ़ना पड़ता, तो पढ़ना हमें उतने जितनी हमारी जरूरत है। अगर हम जरूरत देखें तो बहुत ज़्यादा 30-40 प्रत्यय हैं जो ज़्यादातर देखने को मिलते रहते हैं, 30-40 प्रत्यय बहुत आयत जो मिलते हैं, बस नया गिने चुने ही प्रत्यय हमारे संस्करण में हमारी उपयोगिता में मौजूद हैं। बाकी अन्य प्रत्यय ऐसे मिलते मिलते साहित्य पढ़ते तभी अन्य प्रत्यय आप पाते हैं, अन्यथा अन्य प्रत्यय मिलता नहीं, है ना, समझ गया ना। तो आप जानिए वैसे धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्यय तीन तो आपको क्लियर है, तो तबियत आपका क्लियर नहीं होगा, बस इतना है कृत को जो है बांट दिया गया है, पहले तो कृत्य प्रत्यय में बांट दिया गया है, थोड़ा सा उलादी क्या है उलादी करके है कुछ देखना, जब जवाब ही नहीं है वो जो निकल प्रत्यय है, प्रत्यय का कोई जवाब ही नहीं, बस आप जानिए चले जी सर। केवल तीन और सुख है ना, अकृत्य आदित्य के अकृत इन्हीं की संख्या क्लियर है, किसकी किसकी कृत्य की, वो भी कृत्य किसके अंतर्गत पता, कृत कृतल के अंतर्गत तीन का क्लियर होता है, सुख का क्लियर होता है और स्कृत है ना, इतना क्लियर है, बाकी कोई जवाब नहीं हमारे पास, है ना, इतना ही जान चाहिए, इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। प्रत्यय की संख्या पर यहाँ इसकी संख्या कितनी होती 7, इसकी कितनी होती 18, इसकी कितनी 21, इसकी 8, ये इन प्रत्ययों की संख्या नियत है ना,
बाकी अन्य प्रकार की संख्या नियत तो नहीं आगे चले जी सर। आगे आपका है सत संज्ञा। क्या कहा गया? सत संज्ञा। सत का मतलब क्या होता है? हम लोग जब कोई मरता है ना, एक नारा आपने सुना होगा, सत्य नहीं बोला जाता है, राम नाम सत्य है, ये सत्य बोलना, राम नाम सत्य है, ये कहना चाहिए। लेकिन अब हमारा दोष है बोलने का, तो क्या बोलते हैं? सत्य इस तरह बोलते हैं ना जी। जबकि ये यहाँ सत्य का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। वर्तमान यानी जो कंधे पे जा रहा व्यक्ति, यही सबका वर्तमान, जो आज वर्तमान दिख रहा है, एक दिन सबका यही वर्तमान आएगा। बस सुनाया राम नाम सत्य। जो कंधे पे व्यक्ति जा रहा है उस व्यक्ति का वर्तमान तो देख लिया आपने ना। कंधे पे जाने वाले व्यक्ति का वर्तमान जो है, वर्तमान में जो आप अभी देख रहे हैं, यही वर्तमान आपके साथ भी आने वाला, उसका ये भाव। राम क्यों जोड़ दिया गया? मतलब जन्म मृत्यु सत्य न होगा, अगर जन्म मृत्यु होगी फिर राम, मतलब राम का नाम सत्य क्यों है? जोड़ा गया राम को जोड़ा गया इसमें ना, जन्म मृत्यु सत्य होना चाहिए ना, तो राम को जोड़ दिया गया। नाम जोड़ रहा है, नाम की जान से लेना देना नहीं, हमारा समाज है, सही हिंदू धर्म को मानता है, हिंदू धर्म में राम को शिव में राम को सर्व पर रखा गया, बात खत्म हुई। अगर तो हिंदू नहीं होता, अगर तो हिंदू धर्म देखिए, धर्म का कोई जवाब नहीं होता। अच्छा, सीधी बात ये जाते हैं। और दूसरी चीज कहा है वर्तमान, ऐसा इसे पूरा धर्म आ रही थी मत इधर देखिए, सत्य मतलब क्या होता है? वर्तमान। तो यहाँ पे देखिए सत्य संज्ञा पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है? सत्य संज्ञा। जवन बतावे चाहे थे उनका काम देते हैं, यहाँ सत्य संज्ञा की बात है ना। इसका सूत्र क्या है? तव सत्य। सूत्र क्या दिया गया है? तव सत्य। तव सत्य कहा गया। अब सत्य में हमें क्या कहा? सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य मतलब क्या होता है? सत्य नहीं है ना। अब यहाँ पे तव तव बने होता इन दोनों, या वे दोनों स्वतंत्र कुछ
सत्री और सत्री और सत्री और क्या कर लिए हैं चल बोलो कब सत्र अर्थात उन दोनों की ब्रेकर में सत्र और सारण उन दोनों ब्रेकर में सत्र और सारण ब्रेकर बंद की उन दोनों अर्थात उन दोनों सूत्रों लिखे बाद अर्थात उन दोनों ब्रेकर में सत्य और सारणिक ब्रेकर बंद की सत्य ब्रेकर में वर्तमान संज्ञा होती है लिख रहे ना उन दोनों ब्रेकर में सत्य और सारणिक ब्रेकर बंद की सत्य ब्रेकर में वर्तमान संज्ञा होती बिल्कुल एक लाइन में लिखना है उन दोनों ब्रेकर में सत्य और सारच ब्रेकर बंद की सत ब्रेकर में वर्तमान ब्रेकर बंद संज्ञा होती उन दोनों की सत संज्ञा होती है सत्य और सारच की वर्तमान संज्ञा होती इस तरह का भाव आया एक भाव आया ना अब इसमें बोला ये दोनों प्रत्यय मतलब सत्य और सारच प्रत्यय वर्तमान काल के प्रत्यय है ना सत्य और सारक प्रत्यय वर्तमान काल के प्रत्यय भविष्य काल का प्रत्यय नहीं बताया गया एक चीज हमें भविष्य काल का प्रत्यय नहीं है सत्य और सारक को आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है हालांकि इसको भविष्य काल के प्रत्यय के रूप में नहीं जाना जाता भविष्य काल के उपयोगिता में इसका इस्तेमाल किया जाता है भविष्य काल के रूप में है ना प्रयोग अगर पड़ी आती है जरूरत इसका प्रयोग कर दिया तो वाच्य परिवर्तन वगैरह में है ना वाच्य परिवर्तन वगैरह में इसका प्रयोग कर दिया जाता है अर्थ ले लिया आपका भविष्य काल का हालांकि ये आपका भविष्य काल का प्रत्यय नहीं बस समझिए असत्य और सारथ प्रत्यय के और भी काम है ये जिन धातुओं से जुड़ता है उसको सद्रूप में तब्दील कर देता है ये दोनों हुआ अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं एक तो किस काल के वर्तमान काल के और दूसरा किस अर्थ में तीसरा काम क्या करते हैं किसी धातु को सद्रूप में तब्दील करने का काम करते हैं इनका और भी काम क्या चौथा जो सूक्ष्म काम है आवश्यकता पड़ने पर भविष्य काल के प्रत्यय में यानी भविष्य काल का अर्थ देने के लिए प्रत्ययों का प्रयोग कर दिया जाता है ना आवश्यकता पड़े तो जैसे वाक्य परिवर्तन वगैरह हुआ खाता अखबार हम लोग करते हैं ना आपको रिपोर्ट में बस ना वैसे ही आपका सत्री और सारक प्रत्यय इस्तेमाल हो जाता है जैसे दक्षर या गतवान नहीं गम्यता गम्यमान है ना गच्छर या गच्छर या गम्यमान इस तरह इस्तेमाल कर दिया जाता है ये भविष्य काल का नहीं माना जाता किस काल का माना जाता है वर्तमान ये प्रत्यय जो बताएगा आपको इसके बारे में व्यापक जानकारी दी जाएगी समझ गए ना अरे क्या लिखा जा रही है ये दोनों प्रत्यय किस काल के हैं क्लियर हो गया क्योंकि सब का मतलब वर्तमान होता है और ये दोनों की सब संज्ञा और कथा कथा की संज्ञा हो रही समझ में आया अब ये जिससे जुड़े तो उसको भी किस में ले जाएंगे सत्य संज्ञा में ले जाएंगे जैसे मैंने कहा गमधन सत्य क्या हो गया सत्य की वर्तमान कौन सी संज्ञा हो रही सत्य संज्ञा हो रही है गमधन सत्य किया तो क्या हो गया गच्छत या गच्छन बन गया यानी गच्छत या गच्छन की कौन सी संज्ञा हो जाएगी सत्य संज्ञा हो जाएगी समझ में आया यह एग्जाम्पल नहीं है एग्जाम्पल आप जो शुरुआत के पाँच छः पढ़े हैं वहाँ तक पद संज्ञा का वहाँ तक एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा सा ध्यान देना होगा एग्जाम्पल तो खास कर वहाँ तक सुधार संज्ञा का है ना उसके बाद केवल सूत्र आपको विशेष ध्यान रखना है केवल सूत्र संज्ञा सूत्र संज्ञा सूत्र है ना आगे है अनुनासिक तो
धातु के अंतर्गत तो आएगा ही, अब यहाँ इसकी अलग प्रोसेस है, यहाँ प्रोसेस अलग है, नाम के अलग अलग दिया जा रहे हैं ना। भाई धातुओं से अगर वर्तमान काल का हम अर्थ ले रहे हैं, पहले तो समझिए वर्तमान काल का अगर अर्थ हम ले रहे हैं किससे, सत्य और सानस, तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, सत्य संज्ञा हो जाएगी। इसके अलावा कोई और काम करा रहे हैं तो वो कहाँ बन गए, समझ में आया। ये धातु चार धातु काल धातु, भाई एक एक शब्द का अर्थ नहीं समझ के चल रहा है, सत्य संज्ञा करा वर्तमान, यानी अगर सत्य प्रत्यय से वर्तमान काल का अर्थ लिया गया है ना, तो उसकी कौन सी संज्ञा मान करेंगे, लेकिन सत्य प्रत्यय से अगर हम अर्थ लेंगे, अर्थ ले लिया कोई और अर्थ ले लिया तो किसमें बन जाएगा, कौन सी संज्ञा में जाएगा, कहाँ गया सात धातु है ना, सात धातु प्रत्यय में क्या लगाएगा, आगे बढ़ो, आगे है अनुनासिक, अनुनासिक संज्ञा हेड डाल के एंड तक रहने दीजिए, मुख्य मानसिक या है ये इसका प्रयोग है ना।